और इस बार किसानों को लुभाने के लिए सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी हद तक बढ़ोतरी की है, लेकिन इस बार धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की गई। इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसको लेकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। पिछली बार सरकार ने 7 जून को ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस बार जुलाई का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक एमएसपी घोषित नहीं किए गए थे, जिसके बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है। आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो आज फैसला लिया है 150% का, उस पर मोहर लगी है। ये किसान इससे खुशहाल होगा, किसान की माली हालत बहुत ख़राब है, इससे किसान की स्थिति बहुत अच्छी होगी। और हमारा एरिया धान का एरिया है, 200 रुपये क्विंटल बहुत बढ़िया तोहफा दिया है किसान को। और जो दाड़ों के इनके रेट बढ़ाए हैं, उससे फसल चक्र भी अब किसान अपनाएगा, कोई मूंग करेगा, कोई दूसरी दालें की फसलें करेगा, इससे हमारा पानी भी बचेगा। जमींदार हैं सभी जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, जब से हमें पता लगा अभी रेट 200 रुपये बढ़ा है धान का, सभी किसानों में खुशी की लहर है। इससे ये एरिया जो हमारा है धान का एरिया है, और किसानों की माली हालत में सुधार होगा। और जो सबसे बड़ा फायदा एक और होगा, जो दालों के रेट बढ़ाए हैं, इससे दाल की तरफ भी रुझान होगा। इससे जो सरकार ने आज 200 रुपये बढ़ाए हैं, इससे हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। किसान पहले ही हमारे बहुत तंगी में गुजारा कर रहे थे, और इससे जो रेट बढ़ाया है बहुत अच्छा किया सरकार ने। हम